एस एल इस सबक की तदरीस के बाद तस्वीरों के नामों की पहली या शुरू की आवाज की शनाख्त कर सकें आवाज़ों की तहरीरी शक्ल पहचान सकें, आवाजों को तहरीरी शक्ल में लिख सकें दो आवाजों को मिला रुकन बना सकें और लिख सकें, अरकान और आवाजों की मदद से लफ्ज बना सकें और लिख सकें, आवाजों की आधी और मुकम्मल अशिकार पहचान सकें और लिख सकें, जुमला या पैराग्राफ पढ़ सकें पाँच से सात जुमलों तक तकलीकी तहरीर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके ठीक ठाक हैं? अच्छा भी सबसे पहले मैं आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ कि आप आज सब पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर इस सेंटर में आए हैं तो आप सबको खुश आप लोग खुश हैं पर आके बहुत अच्छी बात है अभी देखें हकूमत पाकिस्तान ने ऐसे लोगों के लिए जो किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सके अपनी या अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके एक प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि वो लोग जो नहीं पढ़ लिख सके वो भी तालीम हासिल कर सकें और तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं कोई भी कैद नहीं है इस्लाम में भी ये कहा गया है कि माँ की गोद से लेके गोर तक तालीम हासिल करें इल्म हासिल करें इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे इल्म हासिल करने के मैं आपको चंद एक फायदे बताती हूँ कि तालीम की क्या अहमियत है देखिए आप सब कुरान मजीद पढ़ती हैं ना और आप में से कुछ ऐसी भी होंगी जो ये चाहती होंगी कि हमें कुरान मजीद का तर्जमा समझ में आए और हम इसको तर्जमे से पढ़ें अगर आपने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी हो तो आप ये काम भी कर सकती हैं फिर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि उनके हाथ में कायदा होगा और वो आपके पास भाग के आए कि अम्मी मुझे पढ़ना सिखा दो उस वक्त अगर आप छोटे से बच्चे को ये कि नहीं बेटा मुझे नहीं आता तो खुद को भी बुरा लगेगा और बच्चा भी कहेगा भी इनको क्यों नहीं आता आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं उसके अलावा सबसे जरूरी चीज देखें जो बंदा पढ़ा लिखा है या जो बंदा तालीम याफ्ता नहीं है एक काम तो उसने करना ही है क्या हिसाब किताब घर की खावतीन जो हैं उनको तो हिसाब किताब बहुत रखना पड़ता है सब्जी वाली दुकान पे आप जाती हैं आपने कहा जी आलू दे दो मटर दे दो बैंगन दे दो अच्छा कितने पैसे बने अब सब्जी वाले ने आपको जो उसके दिल में आया कह दिया आपको अगर जमा नहीं करना आता गिनती नहीं करनी आती तो आप कैसे उसका हिसाब किताब रख सकती हैं टीवी आप देख रही हैं टीवी के ऊपर कोई पट्टी चल रही है अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही आपके भी इधर आओ तुम मुझे पढ़ के सुनाओ इधर आओ तुम मुझे पढ़ के सुनाओ तो आप कितनी दफा किसी को कह सकती हैं इसी तरह से आप बाहर जाती हैं घर से बाहर जाती हैं जब आप तो आप साइन बोर्ड देखती हैं इसी तरह से दवाइयाँ हैं दवाइयों के ऊपर एक डेट लिखी होती है जिसको एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं यानी वो तारीख कि जहाँ पे दवाइयों की मियाद खत्म हो जाती है आपको नहीं पढ़ना आएगा तो आपको गलत दवाई भी ले सकती हैं फिर अपना नाम लिखना पढ़ना बहुत ही जरूरी है और एक चीज मैं आपको और बता दूँ जब आप पढ़ लिख जाती हैं तो आपके अंदर एक इतमाद आ जाता है है ना ये बात सही बात है ना तो फिर क्यों ना आप सब ये एतमाद हासिल करें करना चाह रही है ना बस ठीक है अब हम इस बात को अब यहां से हम आगाज करेंगे कि अब हम सबने मिल इसको आगे बढ़ाना और आपने अब दिल लगा के पढ़ना है ठीक है पेंसिल तराशना अच्छा जनाब आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं हाथ में उसका सही तरीका क्या है और इसका तो आप सबको पता होगा शार्पनर है और पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं यानी कि इसका सिक्का कैसे बनाते हैं आ, ये लीजिए और ये शार्पनर है पेंसिल का उसको कैसे शार्प करते हैं अच्छा उल्टे हाथ में शार्पनर पकड़ें और सीधे हाथ में पेंसिल इस तरह से पकड़ें पकड़ी आप इसको यू... इसमें फिक्स लगाएं इसमें अब इसको यू इसमें लगाएं और इसको आप घुमाते जाएं आपने बहुत जोर से आगे लेके जाना बस हल्के हाथ से इसको आप ऐसे घुमाते जाएं तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि आपको सिक्का नजर आ रहा है ये देखें ये देख रहे हैं आप सिक्का नजर आ रहा है सबको आपने तराशी पेंसिल शाबाश बहुत अच्छी बात है आपने भी आपने भी तराश ली पेंसिल शाबाश ये देखें अब ये है पेंसिल का सिक्का जो आप सबने तराश लिया कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना सबसे हो जाएगा ना पेंसिल को जो सही तरीका होता है पकड़ने का वो कौन सा होता है आप सीधे हाथ में अपनी पेंसिल को पकड़े पकड़ा सबने अब ये देखें ये जो आपका अंगूठा है ये हमेशा ये ये दो यूं बनाएं बनाया यूं और ये आपने पेंसिल पकड़ी ये जो आपकी उंगली है ये पेंसिल के ऊपर होनी चाहिए ताकि आप इस तरीके से लिख सकें दिखाएं आपने कैसे पेंसिल पकड़ी हुई है हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ी हुई है आप भी दिखाएं कैसे पकड़ी है पेंसिल बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ी है अब सबको आ गया कि पेंसिल कैसे पकड़नी है चलिए बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत पीछे से पकड़ी हुई है पेंसिल ज़रा से आगे करके हाँ बिल्कुल यहाँ से देखिए इसको आपने यहाँ से नहीं पकड़ना कि आपका ये जो सिक्का है और आपकी उंगली में इतना सारा फासला आ जाए और ना ही आपने बिल्कुल ये पास से पकड़नी है आड़ी तिरछी लाइनें और दायरा लगाना आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर आड़ी तिरछी लाइनें लगाना सिखाऊंगी ठीक है ये कौन सी लाइन लगी है तिरछी या टेढ़ी भी कह सकते हैं आप लोग और ये ये सीडी। ये, सीडी। ये क्या है दायरा गोल दायरा आप आएंगी ये चॉकलेट और एक तिरछी लाइन लगाएं। शाबाश ये कौन सी लाइन आपने लगाई है तिरछी लाइन लगाई है बैठिए अब आप आइए और एक सीधी लाइन लगाएं। हाँ हां लगाए अब आपको सबको पता चल गया प्लीज बैठे आप कि लाइनें जो हैं वो हम किस तरह से सीधी तिरछी और गोल दायरा लगाते हैं सबको आ गया जी जी। आवाज ब की पहचान किताबें हैं सबके पास जी? जी अच्छा अपनी किताब को जरा आप खोलें कौन सा सफा खोला हुआ आपने हाँ बिल्कुल ठीक लाइन में आपको खोल के देती हूँ सफा ये वाला आप दिखाएं आगे करें सफा और आगे सफा करें सबने किताब सही पकड़ी हुई है हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ी हुई है अच्छा अब आप आपने मुझे ये बताना है ये देखें, कि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं है और आप बताएं, ये क्या है बस्ता। शाबाश आप बताएं, ये क्या है शाबाश आप बताएं, ये क्या है, बता ये क्या है? बस्ता शाबाश अच्छा अब मैं इन तस्वीरों के नाम लूंगी और आपने गौर करना है कि इन तस्वीरों की शुरू की आवाज क्या है बतख बस्ता बतख बस्ता बतख अब आपने मुझे बताना है कि बतख बस्ता इनकी शुरू की आवाज क्या है शाबाश क्या आवाज है ब क्या आवाज है ब शाबाश आपको आवाज की समझ आ गई आप बत्तख के बस्ता इसकी शुरू की आवाज क्या है ब शाबाश आप बताएं जी बत्तख बस्ता इसकी शुरू की आवाज क्या है ब और आप भी बताएं बत्तख बस्ता ब आपको समझ आ गई जी। के शुरू की आवाज है ब आवाज ब वाली तस्वीर के गीत दायरा लगाना अच्छा जी आपको ये तो पता चल गया ब से बतख है और ब से ही बस्ता है ठीक है अब जरा ये मुझे बताएं कि ये सामने आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं आपने मुझे बताना है कि ये क्या है क्या है ये पत्ता और इसके नीचे क्या है बंदर, बंदर। और ये क्या है बस। और बस के नीचे क्या है चिड़िया शाबाश आपको फौरन पता चल गया अब एक काम और करें वो ये है कि जो तस्वीर इस पर बनी है उनकी शुरू की आवाज ब की है उसके गिर दायरा आवाज ब की शक्ल की पहचान अच्छा आपने सीखा है कि बत्तख बस्ता ब से शुरू होते हैं आज मैं आपको यह सिखाऊंगी कि ब की जो आवाज है इसकी भी एक शकल होती है और वो क्या है मैं बोर्ड पे बनाती हूं आप लोग देखिए ये क्या है ब ये क्या है ब। अब मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूं कि ये हम कैसे बनाते हैं अब मेरा हाथ देखें आप यहां से शुरू होके और यहां तक गया और इसके नीचे एक नुक्ता ये है ब ये क्या है दोबारा देखें पहले हमने इस तरह बनाया और जो ब है उसके नीचे हम एक नुक्ता लगाते हैं तो ये बनता है बा। बा। ये क्या बना बा। सारे बोले ये क्या बनाया मैंने ब ये क्या है ये क्या है ब ये क्या है अब ये ब आपकी किताबों में कहाँ है उसको देखें उसपे उंगली रखें आपको मिला जी। सब ने उंगली रखी है जी। ये क्या है शाबाश ये क्या है ब रखी उंगली उस पर हाँ ये क्या है ब समझ आ गई सबको और इसकी पहचान भी हो गई कि हम ब कैसे बनाते हैं ब की शक्ल क्या होती है समझ आई सबको आवाज ब की शक्ल की लिखाई आज मैं आपको ब की लिखाई सिखाऊंगी ठीक है अब सारे बोर्ड पर देखें एक नुक्ता ठीक है और यह मैंने तीर का निशान बना दिया बड़े नुक्ते से लेके छोटे नुक्ते तक आपस में इनको मिलाएंगे बड़े नुक्ते से शुरू करके और छोटे नुक्ते तक हम लेके आ गए हैं और इसके नीचे एक नुक्ता लग गया ये क्या बना ब क्या बन गया ब और शुरू हमने कहां से किया था बड़े, बड़े नुक्ते से ये तीर का निशान हमें क्या बता रहा है कि हमने कहां से शुरू करना है अब मैं नुक्ते लगाऊंगी और आप में से किसी एक को बुलाऊंगी ताकि वो आए नुक्तों को मिलाए आप आइए इनको मिलाएं और क्या लिखा आपने ब क्या, क्या लिखा है क्या लिखा जिन्होंने ब शाबाश ये मैं दोबारा से नुकते लगा रही हूं और ये तीर का निशान आपको समझ आ गई है कि तीर के निशान का क्या मतलब है आप आइए ये लीजिए इसको मिलाएं और बताएं कि क्या बना क्या बना ब क्या, बना? बा। क्या बनाये जिन बा। 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 बनाया जिन्होंने बनाया ब अच्छा ब तो आपने बोर्ड पे देख लिया अब अपनी अपनी किताबों में हमने देखना है कि बा कहां लिखा है और आपने ब लिखना भी है हां जी पेंसिल पकड़े और यह ब है इसके ऊपर पेंसिल फेरे यहां से शुरू करके यहां तक ऊपर से लाएं नीचे तक हां जी आपको मैंने सबको मैंने बताया है कि कहां से शुरू करना है ऊपर से नीचे की तरफ शाबाश आवाज ब के गिर्द दायरे लगाना आपने ब लिखना सीख लिया जी। अब आप इस सफे पर आ जाएं। इसमें देखें कि ये जो खाने बने हुए हैं इनमें मुख्तलिफ आवाजों की इश्काल हैं आपने ब को ढूंढना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है चले जी देखते हैं आप क्या कर रही हैं कहाँ है, है ब दायरा लगाए मैं सबको अभी देख रही हूँ आके कि दायरा लगाया आपने ब के गिर्द आपने कहाँ लगाया ब आवाज़ ब की शक्ल की लिखाई और मश्क हाँ जी हम क्या सीख रहे थे लिखना ब और आपने सीखा भी है अब चले हम क्या करते हैं ये नुकते नजर आ रहे हैं सबको जी। इनको मिलाएं ताकि क्या बने ब जी लिखिए आप सबने ब लिख लिया जी। अब आप ये देखें कि इसी सफा में नीचे एक नुक्ता आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अब आपने यहां से शुरू करके ब लिखना है लिखें शाबाश जी। दो आवाजों को मिलाकर रुकन बनाना ये क्या लिखा है ब और ये क्या है अ अब जब ब को अ के साथ मिला दिया तो क्या अदा हुआ ब ये क्या है म और ये क्या है अ ये मां है और मां को आ के साथ मिलाया तो क्या अदा हुआ मा, मा. क्या अदा हुआ मा, मा. समझ आई आपको जी. दो आवाजों को मिलाकर रुकन बनाना बजरिया कार्ड ये क्या लिखा हुआ है आप सबको नजर आ रहे हैं ये क्या है बा. बा है अच्छा ये बा है और मुझे आप बताएं कि ये क्या है आ, ये क्या है अब मेरे हाथ में जो दो कार्ड हैं, एक पे क्या लिखा है बा, और दूसरे पे आ, आ अब हम ब को आ से मिलाते हैं तो क्या अदा हुआ बा, बा क्या बन गया ब बा, बा, समझ आई कि जब ब और अ को मिलाया तो क्या बना बा, बा क्या बन गया बा ये बा बन गया अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है दा. ये क्या है दा, ये क्या है, दा, ये, क्या है? ये है द और द के साथ मैंने अब ये क्या लगा दिया ये क्या लगा दिया क्या अदा हुआ दा क्या बन गया द क्या बना दा। अभी आपने सीखा ब देखें इस सफे के ऊपर ब लिखा हुआ है अब आपने इसकी लिखाई करनी है चलें शाबाश लिखें पेंसिल्स हैं आपके पास लिखें ब इधर से लिखना शुरू करेंगे आप ब को आ से मिलाया तो अदा हुआ ब नहीं यहां से नहीं ब अ से मिलाया ब से लिखना शुरू करेंगी और अ ब क्या बना ब अल्फास बनाना अच्छा आपने सीख लिया बा दा ना सब कुछ बनाना आपको आ गया अब हम ये करेंगे कि अब हम समझे एक छोटी सी खेल है एक गेम है दो ग्रुपों में मैं आपको तकसीम करूंगी और आपके हाथों में मैं ऐसे कार्ड्स दूंगी आपने उनको जोड़ना है और उनसे अल्फाज बनाने हैं चाहे आप एक ही लफ्ज़ क्यों ना बनाएं ठीक हो गया और यह देखना है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा अल्फाज बनाएगा ठीक है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाए दो ग्रुपों में हम आप लोगों को तकसीम करते हैं आप लोग इधर आ जाए अब ये दो ग्रुप बन गए मेरे हाथ में कार्ड है अब ये मैं आपको दूंगी और ये आपको दूंगी अब देखना ये है कि कौन ज्यादा अल्फाज बनाता है ठीक हो गया ये आपके और ये आपके चलें जी शुरू करते हैं ये नीचे फैला लें ताकि आपको अल्फाज ढूंढने में मदद मिले इसी तरह मजीद अरकान बनाए जा सकते हैं जैसे न अ ना, द अ, दा। र, अ, र, ब, ओ बो म ओ मो द ओ दो ब ई बी द इ दी न ई नी ल ए, ले प ए पे च ए चे जुमले बनाना पहला जुमला कौन पड़ेगा आप पढ़े चाचा बोला तालाला ता -ला। अब आप चा पढ़े चाचा बोला तालाला हाँ जी आप पढ़े ये क्या लिखा हुए चाची बोली काला तालाला बोले सारे उंगली रखें चाची बोली काला तालाला और तीसरी लाइन पे अब हम पढ़ेंगे आप पढ़े बिल्ली खापिला हाँ क्या लिखा हुआ हुए बिल्ली खापिला आप बोले मोचिजा हाँ हाँ बोले बोले हाँ उंगली रखे है उस पर शाबाश आपको पढ़ना भी आ गया अभी आपको ये कार्ड नजर आ रहे लगे हुए जी। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं जिनको आपने मिला के एक मुकम्मल जुमला बनाना है अब सबसे पहले कौन आएगा आप आइए बोले क्या लिखा हुआ है मोना, मोना। ये क्या है कॉपी मोना कापी दो पढ़े आप मोना कापी दो समझ आ गई जी। शाबाश बनाए जुमला ये क्या है बानो बानो की, बानो की, की। माला। बानो की माला शाबाश ये मानो का का बाजा है क्या बना बोले ये मानो का बाजा है।, ये मानो का बाजा है शाबाश हाँ जी आपको देखा जुमले बनाने आ गए शाबाश इसी तरह मजीद जुमले बनाए जा सकते हैं जैसे वो सोते हैं वो रोटी लाते हैं वो काले ताले हैं वो बाजा है ये पौधे दादा ने काटे हैं वो गाना गाते हैं हरूफ की मुकम्मल इशकाल अच्छा जी आपने ब की छोटी शक्ल सीखी थी ना जी। याद है अब पहले मैं बनाऊंगी ब की ये है इसकी छोटी शकल या आधी शकल अब मुकम्मल मुकम्मल कैसे बनेगी ये ये क्या है ब की मुकम्मल शक्ल ये क्या है ब की मुकम्मल शक्ल ठीक है आखिरी साकन आवाज का तसव्वुर अच्छा जी अभी तक आपने काफी कुछ पढ़ लिया सीख लिया अब मुझे बताएं ये क्या है बाज ये क्या है बाज ये क्या है बाज बाज जब हम बोलते हैं तो इसकी आखिरी आवाज क्या है शाहबाश क्या है इसकी आखिरी आवाज कौन सी है ज तो ये क्या है बाज, बाज।, बाज। शाबाश ये क्या है बा। बा, ये क्या है बा, 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 और अब मुझे आप बताएंगे कि ये क्या है क्या बन गया बाज घर का बा, काम अब घर का काम मैं आपको दे रही हूँ जो आपने करके लाना है कल आपने छुट्टी की दरखास्त लिख के लानी है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची बीमार है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ सकती तो छुट्टी की दरखास्त आपने लिख के लानी है ठीके? ठीक है चार से पांच लाइनों की बहुत होगी कोई मुश्किल काम तो नहीं है नहीं। हो जाएगा चले शाबाश याद से सबने कल ये काम करके लाना है ठीक है